क्या किसी ने कभी आपको ऐसा कहा है या आपको ऐसा खुद लगा है कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना आपके बस की बात नहीं है? आप एक प्रोफेशनल एनालिस्ट जिसके पास बहुत सारे फंड्स, दुनिया भर के रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन है, उससे कम्पीट नहीं कर पाओगे? ऐसे काफ़ी लोग जो दूसरे प्रोफेशन में, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, शॉपकीपर्स, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को भी ऐसा ही लगता है। सो आपकी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच ने अपनी बुक वन ऑफ द वॉल स्ट्रीट में दी है, जिससे आपका सेल्फ डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। पीटर लिंच ने 1977 से 1990 तक फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के मैगेलन फंड के मैनेजर थे, जिनके फंड ने ऑलमोस्ट 29% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया, जो उस वक्त के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से एक थे। पीटर लिंच ने अपनी बुक में टाइमलेस फिलोसॉफीज दी है, जो एक बिगिनर या फिर एक एमेच्योर इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में यूज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड और बुक समरी वीडियोस चाहिए, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेसन नंबर वन, एडवांटेजेस ऑफ डम मनी। मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि एक प्रोफेशनल स्टॉक एनालिस्ट उनसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जो हफ्ते के 80 से 100 घंटे लगाकर एक स्टॉक ढूंढता है और उसमें इन्वेस्ट करता है, और इसीलिए उनके पास एक अपर हैंड है। पीटर लिंच अपनी इस बुक में कहते हैं कि ये अजम्पशन बिल्कुल गलत है, बल्कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के बहुत डिसएडवांटेजेस हैं। उनके पास इतना बड़ा फंड होने के कारण वो कोई भी स्टॉक से अंदर बाहर या फिर बाय या सेल नहीं कर सकते, जो एक रिटेल इन्वेस्टर कर सकता है। उन्हें अपने इन्वेस्टर्स को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिटर्न देने का प्रेशर रहता है, और अगर उन्होंने वो एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं की तो उन्हें अपने स्टेक होल्डर्स को जवाब देना पड़ता है। जब बेयर मार्केट स्टार्ट होता है, तब काफ़ी इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में जाके अपने पैसे उस फंड से निकाल लेते हैं, और जब बुल मार्केट स्टार्ट होता है, तब वो और पैसे उस फंड में डालते हैं। उस वक्त फंड मैनेजर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में रहता है, क्योंकि जब बेयर मार्केट में सब सिक्योरिटीज उन्हें डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तब उनके पास एक्सेस या इनफ फंड नहीं है, और जब बुल मार्केट में सब स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए, तब उनके पास बहुत ज़्यादा फंड रहता है और उन्हें सोचना पड़ता है कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करें। ये प्रॉब्लम एक रिटेल इन्वेस्टर को फेस नहीं करनी पड़ती। लेसन नंबर टू, स्टार्ट विथ वॉट यू लव। पीटर लिंच कहते हैं, इफ यू लव द स्टोर ऑड्स आर यू लव द स्टॉक्स एज वेल। काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि आपके पास ऑलरेडी इनफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है उन लिस्टेड स्टॉक्स के बारे में, जिन्हें आप फिजिकली ही नहीं, इंटेलेक्चुअली भी कंज्यूम करते हो। अगर आप जंक फूड बहुत खाते हो, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी बर्गर किंग या जुबिलियन फूडवर्क से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप IT, कंस्ट्रक्शन, फार्मा, इन इंडस्ट्रीज में काम करते हो, सो आपको ऑलरेडी कुछ टेक्निकल चीज़ें पता रहेगी जो बाकी लोगों को नहीं पता है, और आप अपना रिसर्च वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेसन नंबर थ्री, स्टॉकिंग द 10 bagger। जो स्टॉक्स आपके इन्वेस्टमेंट को 10 times ग्रो करते हैं, उन स्टॉक्स को पीटर लिंच 10 bagger बुलाते हैं। ये है कुछ 10 baggers के फीचर्स। पॉइंट नंबर वन, नेम ऑफ द कंपनी इज बोरिंग और इट डज बोरिंग वर्क। आप मानोगे नहीं, बट कुछ एनालिस्ट ऐसे रहते हैं जो उस कंपनी का नाम देख के ही उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें वो एक्साइटिंग नहीं लगता, या जो काम वो कर रही है वो उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता। ऐसे स्टॉक्स आपके पोटेंशियल 10 baggers हो सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, इट डजेंट हैव एनी इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप। अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिले जहाँ इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप, जैसे FIIs या DIIs की होल्डिंग्स बहुत कम या है ही नहीं, वो आपका पोटेंशियल 10 bagger हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये स्टॉक पे वो लाइमलाइट नहीं पड़ी है, और अगर एक बार उसमें इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आ गया, अपने आप उस स्टॉक का डिमांड ऊपर जाते रहेगा। पॉइंट नंबर थ्री, इट इज़ इन अ नो ग्रोथ इंडस्ट्री। पीटर लिंच कहते हैं कि आपको हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिशन है और आपको पता नहीं कि कौन सी कंपनी वहाँ सर्वाइव कर दे। इसलिए वो नो ग्रोथ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वह कम से कम कॉम्पिटिशन होगा। पॉइंट नंबर फोर, पीपल कीप ऑन बाइंग इट्स प्रोडक्ट्स। पीटर लिंच कहते हैं कि उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड कभी कम नहीं होगी, जैसे मेडिसिन या ग्रॉसरीज, या वो कंपनीज जो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल पे चलती है, जिससे वो कंटिन्यूसली रेवेन्यू कमाते रहे। पॉइंट नंबर फाइव, कंपनीज विच आर बाइंग बैक देयर शेयर्स। ये सबसे सिंपल और बेस्ट वे है अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने के लिए, क्योंकि जो कंपनी को खुद पे भरोसा है वो खुद में ही इन्वेस्ट करेगी, और पीटर लिंच इन स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं। लेसन नंबर फोर, नंबर्स वर्थ नोटिसिंग। ऐसे कुछ फंडामेंटल्स रहते हैं जो हर इन्वेस्टर्स को एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले चेक करने चाहिए, जैसे परसेंट ऑफ सेल्स। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट उस कंपनी के लिए कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है।
सेकेंडली पी रेशियो, उन कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जिसका पी रेशियो बढ़ रहा हो। पी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस उसके अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करना रहता है। अगर आपका पी रेशियो 15 या उससे ज़्यादा है वो एक अच्छा साइन होता है। पीटर लिंच कहते हैं कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बैलेंस शीट चेक करना चाहिए। अगर उसके एसेट साइड में कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज उसके लायबिलिटी साइड के लॉन्ग टर्म डेट से काफ़ी ज़्यादा हो, उसका मतलब है कि वो कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट को पे बैक कर सकती है और ऐसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिससे आपको पता चलता है कि उस कंपनी पे कितना ज़्यादा कर्जा है। डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम रहेगा उतना बेटर है। जिस कंपनी में कोई कर्जा या डेट ना हो वो कंपनी कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकती और आपको ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनली लेसन नंबर 5, स्टॉक्स टू अवॉइड। पॉइंट नंबर 1, अवॉइड स्टॉक्स इन हॉट इंडस्ट्री। पीटर लिंच कहते हैं जिस इंडस्ट्री में पहले से ही काफ़ी कॉम्पिटिशन हो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, द रेवेन्यू ऑफ कंपनी डिपेंड्स ऑन अ सिंगल कस्टमर। अगर कोई भी कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू एक सिंगल कस्टमर से आ रहा है वो काफ़ी रिस्की हो सकता है कि अगर उस कस्टमर ने कभी अपना वेंडर चेंज किया उस कंपनी को बहुत भारी लॉस हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड डाइवर्सिफिकेशन। पीटर लिंच कहते हैं कि उन स्टॉक्स को अवॉइड करें जो अपने कोर बिजनेस को छोड़ के दूसरे अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके रख रहे हैं जहाँ उनकी एक्सपर्टीज ना हो। पॉइंट नंबर 4, इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। काफ़ी कंपनीज मीडिया को पैसे पे करके एक हाइप क्रिएट करते हैं जिससे उनका स्टॉक का प्राइस टेम्परेली ऊपर जाता रहता है। ऐसे स्टॉक्स को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऐसे स्टॉक्स ही पंपिंग एंड डंपिंग स्कीम्स के शिकार होते हैं। एंड पॉइंट नंबर 5, जिसे पीटर लिंच कहते हैं विस्पर अलाउज, वो उन कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, जैसे उन्होंने कैंसर का क्योर ढूंढ लिया है या किसी ने एक ऐसा व्हीकल बनाया हो जो हवे में, ज़मीन पे, पानी पे, तीनों पे चलता है। ऐसे कंपनीज से आपको खतरा हो सकता है, इसलिए इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें। सो अगर हम पूरे वीडियो को समराइज करें, पॉइंट नंबर 1, एडवांटेजेस ऑफ हैविंग डम मनी। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट विथ व्हाट यू नो। पॉइंट नंबर 3, स्टॉकिंग द 10 बैगर्स। पॉइंट नंबर 4, नंबर्स वर्थ नोटिसिंग। एंड पॉइंट नंबर 5, स्टॉक्स यू शुड ऑलवेज अवॉइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और वीडियोस मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।